इंडिया न्यूज़। लुधियाना तो बड़ी खबर आ रही है, अज लुधियाना च प्रदर्शन करेगी पंजाब कांग्रेस। मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह इहदी अगवाई करन वाले ने। मसला हैगा सी ए ए दा ते एनआरसी दा, दोवां मुद्दयां नूं लै के मामला जिहड़ा पूरे देश च एक पासे भखिया होया, पर पंजाब सरकार च वी इस मुद्दे च किते ना किते विरोधता वेखण वाली। एक्ट दा विरोध किया जा रहा, पंजाब दे मंत्री विरोध करन के कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई हेठ यह धरना प्रदर्शन अज दिता जाना। लुधियाना च प्रदर्शन करेगी कांग्रेस ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगवाई इन्हों की होगी, मौजूद रहेंगे ते जिन्हें भी कांग्रेसी ने वह भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। एक्ट का विरोध कर रहे हैं पंजाब के मंत्री। नागरिकता सोध कानून के खिलाफ पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार ये चाहती है कि इन्हों लागू ना करिए, क्योंकि कैप्टन का प्रतिक्रम इस तो पहला ही सामने आ चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह किया कि ये जड़ा कानून है गैर संविधानिक है, पंजाब च अजे तक लागू नहीं होया है सी ए ए। तो दूजे पासे बाकी कई सूबियां जिन्हों लागू किया गया है, पर पंजाब ते पौंडचेरी दे विच इसनों लागू नहीं किया गया। सी ए ए के खिलाफ पंजाब सरकार आज प्रदर्शन होना, पंजाब अजे तक नहीं लागू हो सकया सी ए ए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई हेठ पंजाब दे जिन्हें भी कैबिनेट मिनिस्टर्स ने विधायक ने लुधियाना पहुँचणगे ते विरोध किया जाना है। पंजाब का सब तो वड्डा हलका लुधियाना, जिथे अज कांग्रेसियों का प्रदर्शन वेखण मिलेगा। ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਠੋਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਔਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਈਸਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਏ ਏ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀ ਏ ਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ 12 ਵਜੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
इस मुजाहरे च पंजाब मामले दे इंचार्ज आशा कुमारी, कैबिनेट मंत्री अते राज दे होर पार्टी आगू भी शामिल होणगे, कई विधायक भी शामिल होणगे। आशा कुमारी, सुनील जाखड़, कई कैबिनेट मंत्री, कई विधायक ते राज दे होर पार्टी दे आगू भी शमूलियत करदे नज़र आउणगे। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई करन वाले ने दुशहरा ग्राउंड विच 12 बजे का समा मुकर्रर किया गया है। लुधियाने दे विच इह धरना प्रदर्शन अज किया जाना है। पंजाब अजे तक लागू नहीं हो सकया CAA। अभिषेक बैल लुधियाना तो साढ़े नाल जुड़ चुके हैं। अभिषेक, दुशहरा ग्राउंड च 12 बजे का समा मुकर्रर किया गया है, की कुछ अपडेट है तुहाडे कोल, कौन कौन पहुंचेगा? बिल्कुल जी, इस समय जी कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद जे है अगुवाई कर रहे हैं इस धरने प्रदर्शन की, क्योंकि कैब जरा बिल है जिथे तक कैब की गल की जाए जी कि पंजाब सरकार ने साफ मना करता है कि वो इतने नहीं लागू होएगा, लेकिन विरोध जोड़ा है लगातार जारी हो रहा है। सारा मुसलमान भाईचारा भी इतने इकट्ठा होएगा, कई वे लीडर जोड़े है वो भी इतने मौजूद रहेंगे, जिस तरह कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू, रवनीत बिट्टू, कई इस तरह के मंत्री ने जोड़े इन्होंने नाल इतने एको ही स्थान के उत्ते खड़े होकर दरेसी ग्राउंड होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो कितने ना कि जी है केंद्र सरकार के खिलाफ जी है हल्ला बोल जो प्रदर्शन जो है वह किया जा रहा है जी। बिल्कुल अभिषेक, समझा जाए लुधियाने तो धरना प्रदर्शन करके दिल्ली तक मैसेज पहुंचाने की कितने ना कि साजिश है? बिल्कुल जी कोशिश है लगातार इन्होंने पंजाब सरकार भी है जारी हैगी है कि धरने प्रदर्शन के राही जोड़ा है केंद्र सरकार दखा खोलने इस तरह के धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन अज जी अगुवाई है बड़ी वीड्डी पद्धर से दसी जा रही है, क्योंकि वीड्डी पद्धर के भाईचारे जिहड़ा मुसलमान भाईचारा वो भी एको स्थान के उत्ते पूरे पंजाब का इकट्ठा हो रहा है। कि ना कि वड्डा धरना प्रदर्शन जोड़ा है वो अज इतने देखने मिलेगा। तो हूँ धरने तो बाद ही पता लग पाएगा कि किस तरह की अगली अगली रणनीति जी है पंजाब सरकार वालों तैयार की जाती है जी। ठीक है जी, धन्यवाद तुहाडा बहुत बहुत। ते आशा कुमारी, सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह, कई कैबिनेट मंत्री, कई विधायक, कांग्रेसी वर्कर भी पहुंचणगे। तो एक्ट का विरोध अज लुधियाना च किया जाएगा। 12 बजे का समय मुकर्रर किया गया दुशहरा ग्राउंड हैगा, जिथे पंजाब सरकार के जिन्हें भी नुमाइंदे ने सी ए यानी कि नागरिकता शोध कानून का विरोध करनगे।